हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एपिक्स लेजेंड मोबाइल के नेक्स्ट बीटा अपडेट को लेकर कि भाई नेक्स्ट बीटा अपडेट में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं, डिवाइस अनकंपैटिबल का एरर फिक्स होगा या नहीं होगा, साइज़ क्या होने वाला है, साथ ही साथ रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है गाइस, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि भाई गेम कब तक मिलेगा, और गाइस उसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो भी मैंने वहाँ पर दिखाई है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिए, अदरवाइज गाइस मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में भी आगे आपको बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं और हमारी वीडियोस को सबसे पहले लाइक भी कर पाएं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम के साइज़ के बारे में, यानी कि जो नेक्स्ट बीटा आएगा उसका साइज़ क्या होने वाला है। तो गाइस काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं भाई, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब 3 GB का भी अपडेट हो सकता है, या फिर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं 2.5 GB का अपडेट हो सकता है। लेकिन गाइस जो पिछले प्रीवियस बीटा आए हैं, अब तक 3 बीटा आ चुके हैं गाइस, और तीनों बीटा के मतलब जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेट 1.2 से लेके 1.3, मतलब आप सोच सकते हैं इतना ही है, यानी कि 1.2 GB से लेके 1.3 GB इतना ही अप्रॉक्सीमेट आपको मिलता है। अंदर से 400-500 MB डाउनलोड और मांगता है। इनडायरेक्टली बोलूँ गाइस तो मैं आपको कम से कम आपका जो डेटा, आपका जो खर्च होगा, या फिर मैं बोलूँ गेम का जो साइज़ होने वाला है वो 1.6 से लेके 1.7 GB तक होने वाला है इन गेम डेटा फाइल्स को मिलाने के बाद में। आपको प्ले स्टोर से 1.2 GB तक का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि अपलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में अंदर से आपको 400-500 MB और डाउनलोड मांगेगा। तो इनडायरेक्टली बोलूँ आपको मतलब 1.6 से लेके 1.7 GB तक आपका जो डेटा हुआ है इसमें कंज्यूम होने वाला है। अभी गाइस बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाले हैं इसके। तो गाइस बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। लेकिन गाइस ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स इसके लिए नहीं चाहिए, बस आपके पास 4 GB रैम होनी चाहिए, जो कि इनफ है भाई आज के टाइम पर सभी के मोबाइल, मतलब कम से कम अगर आप बजट का स्मार्टफोन भी लेते हो तो उसके अंदर भी 4 GB रैम देखने के लिए मिल जाती है। प्लस स्नैपड्रैगन का 710 तक की सीरीज़ का प्रोसेसर अगर आपके पास है तो आप इस गेम को बहुत ही अच्छे से रन कर पाएंगे। तो गाइस ये तो थे अपने रिक्वायरमेंट्स। अब गाइस स्नैपड्रैगन 710 के जो सीरीज़ मीडियाटेक की है, जैसे कि हीलियो G90T या फिर हीलियो G90, वो भी काफ़ी कैपेबल है। या फिर मैं बोलूँ इनडायरेक्टली कि भाई अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है, मीडियाटेक का है, तो गाइस आपके पास अगर हीलियो G90 है तब भी आप इस गेम को अच्छे से रन कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि भाई डिवाइस अनकंपैटिबल एरर कब फिक्स होगा, या फिर होगा या नहीं होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक टेक्निकल इश्यू है जो कि कंपनी की तरफ से ही है, मतलब बोल सकते हैं ये की तरफ से है। अभी तक 3 बीटा आ चुके हैं गाइस, और मतलब बोल सकते हैं कि भाई बहुत से लो डिवाइस वाले जो स्पेसिफिकेशन वाले डिवाइस हैं जिनमें काफ़ी लो स्पेसिफिकेशन है, उनके अंदर भाई इंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी सारे स्मार्टफोन में। और काफ़ी सारे स्मार्टफोन ऐसे भी हैं जिनमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के अंदर भी गाइस ये डिवाइस अनकंपैटिबल का एरर शो हो रहा है, यानी कि गाइस आप समझ सकते हो कि ये एक टेक्निकल इशू है जो कि कंपनी की तरफ से। तो गाइस ये कब तक फिक्स होगा इसके बारे में तो मतलब अभी नहीं बोल सकते, जब तक कि ओपन बीटा नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है कि ये फिक्स नहीं होने वाला है। तो गाइस आपके में अगर डिवाइस अनकंपैटिबल का एरर शो हो रहा है तो मे भी हो सकता है कि आने वाले अपडेट पे ये फिक्स हो जाए, लेकिन अगर फिक्स नहीं होता है तो आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर ही इस गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इस गेम को खेल पाएंगे। और जिनके में इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है या फिर प्री रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इस गेम को ऑफ कोर्स खेल ही पाओगे। इसके अलावा गाइस एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो है गाइस iOS को लेकर के, भाई iOS के अंदर एपिक्स लेजेंड मोबाइल हमें कब देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बता दूं कि भाई ऑफिशियली कंपनी की तरफ से दूर दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है रिगार्डिंग टू द iOS डिवाइसेस। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ओपन बीटा रिलीज़ होगा, यानी कि जो एपिक्स लेजेंड मोबाइल का जो ओपन बीटा वर्जन आएगा, तब में भी हो सकता है कि ये आपको iOS डिवाइसेस यानी कि एप्पल के डिवाइसेस में देखने के लिए मिल जाए। अभी तो गाइस बीटा फेसेस के अंदर है, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि बीटा फेस
आपको iOS के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो जब ओपन बीटा आएगा तभी शायद मेरे हिसाब से आपको एप्पल के अंदर देखने के लिए ये गेम जो है वो मिलने वाला है। तो गाइस अभी बात करते हैं रिलीज डेट को लेकर के, भाई रिलीज डेट क्या होने वाली है। तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए आए हैं भाई, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई 21 सितंबर यानी कि गाइस 21 तारीख तक गाइस जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक प्री रजिस्टर नहीं किया तो प्री रजिस्टर कर लो प्ले स्टोर पे। 21 तारीख के बाद में यानी कि 22 या फिर 23 सितंबर को ये गेम जो है वो लॉन्च हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ प्ले स्टोर पे देखने के लिए हमें मिल सकता है। अभी गाइस यहाँ पर प्ले स्टोर पे भी 15 सितंबर को ये अपडेट हो चुका है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। प्ले स्टोर पे अगर आप चाहोगे तो चेक करना वहाँ पर कि एपिक्स लेजेंड मोबाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको 15 सितंबर का दिखाई देगा। यानी कि गाइस ये कन्फर्म है कि 21 सितंबर के बाद 22 या फिर 23 सितंबर को ये गेम जरूर से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी हमें ये गेम देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस बस यार थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ही जल्दी आप इस गेम को खेल पाएंगे। और गाइस जो एपिक्स के लवर्स हैं भाई, वो वीडियो में ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख के बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो क्या है वो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।